यदि कांग्रेस से कुछ दिन पहले आजाद हुए गुलाम नबी आजाद की माने तो कांग्रेस बीमार हो चुकी है और इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं बल्कि कंपाउंडर कर रहे हैं। आप जब तक कांग्रेस में थे तब तक क्या थे, डॉक्टर या फिर कंपाउंडर या सिर्फ कांग्रेस के अंदर रहकर इसे कमजोर करने वाले नेता? गुलाम नबी कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। फिर वे और क्या करते? उनके पास कांग्रेस छोड़ने के सिवा कोई चारा या फिर रास्ता बचा ही नहीं था। इन बातों पर सहज ही विश्वास करने को दिल नहीं मानता। कितने बड़े बड़े पद दिल खोलकर इसी कांग्रेस ने उनको दिए, कमी तो कोई नहीं रखी। आखिर समय तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए रखा और क्या बाकी रह गया था, पाने को या फिर मांगने को? जो मांगा वो मिला, क्या क्या नहीं पाया? केंद्र और जम्मू कश्मीर राज्य में सब कुछ दिया, क्या बाकी बचा था? क्या जैसे देश से पाना नहीं बल्कि देश को देना होता है, वैसे ही पार्टी से सब कुछ पाना ही नहीं बल्कि कुछ लौटाना भी होता है। हम यही कहते हैं कि ये मत सोचो या कहो कि देश ने क्या दिया, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि देश को आपने क्या दिया। इसी तरह ये पूछो कि अपने दिल से पार्टी को आपने क्या दिया है। क्या सचमुच ही आपको कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया? क्या आप कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी में इंसानियत है, सोनिया गांधी में इंसानियत खत्म हो गई? कांग्रेस अगर बीमार थी तो इलाज करने में मदद करना आपका फर्ज बनता है। कांग्रेस को G23 समूह बनाकर सिवाय आलोचना करने के 2 साल से किया क्या आपने? यदि कांग्रेस आपको फिर से राज्यसभा में भेज देती तो क्या फिर भी आप इसे छोड़कर चले जाते? ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, अश्वनी कुमार, कपिल सिब्बल, जतिन जैसे कितने लोग हैं जो कांग्रेस के सत्ता में रहते बड़े बड़े पदों पर रहे और जब कांग्रेस विपक्ष में आई तो ये सभी किसी डूबते जहाज के मुसाफिरों की तरह भाग निकले। क्या यही सच है? अगर सभी कांग्रेस जन ऐसे ही विपक्ष को अपनी ताकत सौंपते रहे तो कांग्रेस तो कमजोर होगी ही। फिर दोष किसे दे रहे हो? खुद को आईने में देखिए, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस बीमार है कहकर अब आप क्या बताना चाहते हैं गुलाम नबी? इसका रोग पहचान लीजिए, इसका रोग है दल बदल। कांग्रेस को छोड़कर नेता जा रहे हैं जैसे आप भी गए, इस दल बदल का इलाज कौन करेगा? यही सवाल है, यही प्रश्न भी है। अभी आप बहुत सारे भेद और भी खोलेंगे पर इससे आपके व्यक्तित्व की गरिमा दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी, आपका बड़प्पन कम होता जाएगा। आपने कांग्रेस छोड़ दी, अब भूल जाओ कांग्रेस को, रहने दो इसे बीमार। अगर ये कांग्रेस बीमार है तो आपका अब क्या जा रहा है? कोई तो इसका इलाज करेगा। आप क्यों कांग्रेस की चिंता में दुबले हो रहे हो? आप बताइए किस पार्टी का इलाज करने आप गए हो या करवाने जा रहे हो? ANV न्यूज़ के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।